Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar, and in this video I am going to give you the demo project that we are going to develop. And the project is contact book or address book, both are same. So this is very simple project, and I will try to cover all the concept in this project and the techniques we will use in this project, that is PHP core. So the project is very compulsive for you and must take these lectures, and let's start this demo video. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं तो इसमें वर्किंग किस तरह करते हैं, किस तरह वर्किंग होती है और इसको हम किस तरह हैंडल करेंगे वो हम देखेंगे. तो कॉन्टैक्ट बुक जो है, एड्रेस बुक, वो ऑलरेडी आपके मोबाइल सेलफोन्स में है वो, और वर्किंग भी पता है आपको कि उसकी वर्किंग किस तरह हो रही है, कि मोबाइल्स में जो एप्लीकेशन है कॉन्टैक्ट बुक की वो किस तरह होती है, कि आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी किसी को अगर ऐड करना हो, कॉन्टैक्ट ऐड करना हो, तो उसका नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद नेम एंटर करते हैं, उसको सेव करते हैं, एंड देन क्या होता है कि आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे पास वो आपको शो हो रहे होते हैं. एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको किस तरह एडिट कर सकते हैं और उसको हमने किस तरह उसको डिलीट कर सकते हैं. तो ये चीज़ें जो, ये तो एक छोटी सी वो फंक्शनैलिटीज़ हैं. तो हमने इस प्रोजेक्ट में इस फंक्शनैलिटीज़ को मज़ीद एक्सटेंड करना है. तो वो फंक्शनैलिटीज़ जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, तो वो मैं आपको साथ साथ ही बता देता हूँ. तो देखते हैं हम इसमें किस तरह इसकी वर्किंग होगी. सबसे पहले ये होगा इस वेब एप्लीकेशन में जो हम डेवलप करेंगे, तो इसमें ये होगा कि जब हम रजिस्टर, जो यूज़र है वो सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर करेगा. जब रजिस्टर करेगा तो हम एक फॉर्म ओपन होगा, तो फॉर्म में ये होगा कि वहाँ पे नेम एंटर करना होगा, ईमेल और फ़ोन नंबर, उसके बाद कंट्री, कंट्री के बाद कोई भी पिक्चर अगर अपनी या कोई भी लगानी हो तो पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड होगा, और उसके बाद री एंटर पासवर्ड, जो कन्फर्म पासवर्ड होता है वो हमारे पास होगा. इसमें वैलिडेशन भी होगी, वैलिडेशन ऐसे कि नेम में हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स उसमें एंटर कर सकते हैं, उसमें कोई भी करेक्टर या डिजिट्स एंटर नहीं कर सकते. उसके बाद ईमेल्स में भी ऐसे ही कि सिर्फ जो ईमेल्स हैं वो सिर्फ वैलिडेट करेगा. फ़ोन नंबर्स में, फ़ोन नंबर्स में सिर्फ डिजिट्स आ सकते हैं, और उसमें लिमिट्स होती है कि ये 10 या 12 तक, उसके बाद उसको हम मज़ीद नहीं लिख सकते. तो और उसके बाद कंट्रीज़ होंगे, कंट्री कौन सा कंट्री उसको अपना है, और उसके बाद जो है वो हम जो पिक्चर है वो सेव करनी है, और इसकी लिमिट भी होगी कि इतनी 2.4 या 2.5 MB से बड़ी पिक्चर नहीं होनी चाहिए. उसके बाद पासवर्ड होगा, ये दोनों वैलिडेट होंगे, अगर ये दोनों सेव होंगे तो वो उसको हमने सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज उसको सबमिट पे क्लिक नहीं कर सकते. जब ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो डाटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा. जब ये डेटाबेस में स्टोर होगा तो हमें उसके बाद हमने उसको करना है लॉगिन. तो लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो हमें एक फॉर्म ओपन होगा, सेम एज जैसे ये फॉर्म ओपन हुआ था, तो वैसे ही हमें लॉगिन का एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमने यूज़र नेम या जो नेम हमने एंटर किया होगा या ईमेल बेस पे हम उसको वैलिडेट करेंगे. तो ईमेल बेस पे उसको वैलिडेट, डेटाबेस से वैलिडेट होके आएगा, और उसके बाद जो है वो हम लॉगिन कर सकेंगे. तो जब ये लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक फॉर्म दूसरा ओपन होगा जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट होंगे, जितने भी कॉन्टैक्ट जो हमने ऐड किए होंगे वो हमारे कॉन्टैक्ट एक स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे. तो अभी मेरे पास कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं इसमें जो है वो कॉन्टैक्ट ऐड करने लगा हूँ. आप लोग उसमें कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं. लेट्स से अगर ये बटन मैंने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक जो है मॉडल ओपन हो गया. इसको हम बोलते हैं मॉडल, जो बैकग्राउंड जो है वो हाइड हो जाता है और हमें एक फॉर्म सिर्फ शो होता है, तो इसको हम बोलते हैं मॉडल. मॉडल हम इसमें यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने नेम एंटर करना है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे सनावर एंटर करता हूँ, उसके बाद ईमेल जो है वो मैं करता हूँ, और उसके बाद फ़ोन नंबर लिमिट वो ऑलरेडी मैंने सेट की हो कि इसके बाद हम मज़ीद नहीं लिख सकते. मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर लिख नहीं सकते. तो उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लें, इसको रहने देते हैं. कमेंट सेक्शन, ये मैंने वैसे ही कल ये डिज़ाइन कर रहा था डेमो प्रोजेक्ट, तो उसके लिए मैंने ये बस ऐसे ही बना दिया था. जब ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट में शो होगा. ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड होगा. तो इसमें ये हुआ है कि विदाउट पेज रिफ्रेशिंग ये हमारे पास रिकॉर्ड, जब हमने सबमिट पे क्लिक किया था तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो चुका था, तो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था. तो ये हमने किस तरह हैंडल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा. तो दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर कर लेते हैं.
कुछ भी लिखना है, लेते हैं और फोन नंबर कुछ भी दे दें, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लें, सबमिट पे हो गए। तो ये हमारे पास दो रिकॉर्ड हो गए, और उसके बाद हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं डिटेल्स, अगर डिटेल्स देखनी हो कि वो डिटेल्स भी मॉडल्स के थ्रू हम देख सकते हैं उसको, अगर हमने डिलीट करना हो तो वो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ ये रिकॉर्ड। वैसे ही ये जो रिकॉर्ड है, हम जो भी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं ये विदाउट पेज रिफ्रेशिंग हम फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर एडिट करना हो तो हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, तो ये हम एडिट में ये होगा कि इसमें जितना भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे एक्सेस होके आ जाएगा, उसमें जो चेंजेस हमने करनी है तो वो चेंजेस करके उसके बाद हम उसको अप कर देंगे अपडेट। जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये सेम एज के हम जो मोबाइल्स में हमारी एप्लीकेशंस जो रन हो रही होती हैं, तो वो वैसे ही सेम इसकी जो है वर्किंग हो रही होती है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें हमने वैलिडेशंस वो किस तरह लगा सकते हैं। वैलिडेशंस ऐसे कि मैंने यहाँ पे नेम एंटर किया, नेम, और उसके बाद ये मैंने डिटेल्स ऐड किया, तो जब मैं सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास सारी वैलिडेशंस वो शो हो रही है कि आप जो है एंटर अल्फाबेट्स ओनली और फिल फॉर्म प्रॉपरली। अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे हमें ये मैसेज शो हो जाना चाहिए, और जहाँ पे एरर आया है तो वहाँ पे हमें एरर शो हो जाना चाहिए। लेट्स से कि मेरे पास मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स ही उसमें एंटर किया, तो ये देखें एरर मेरा रिमूव हो चुका है। तो उसके बाद मेरी ईमेल भी वैसे ही, और अगर लेट्स से कि मैं अगर रॉन्ग ईमेल देता हूँ तो वो मुझे शो करेगा एंटर वैलिड ईमेल। तो अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो वो कहता है एंटर ईमेल। तो ऐसे ही हमारे पास वैलिडेशंस होगी, वैसे ही हमारे पास फ़ोन के लिए वैलिडेशंस होंगी। अगर मैं इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ तो वो कहता है कि एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़, तो हमने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ इसमें एंटर करनी है, तो ये वैलिडेशंस भी हमने करनी है। और उसके बाद कंट्री जो सिलेक्ट करना है वो कंट्री हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास वैलिडेशंस में होंगी। तो ये मैं कर लेता हूँ, ये रिकॉर्ड हमारे पास शो हो गया। तो ये जो वैलिडेशंस है ये हमने पीएचपी के थ्रू भी करनी है, और उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करनी है। ये दो चीज़ें जो अगर ये वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो हमारी जावास्क्रिप्ट हर चीज़ कवर हो जाएगी उसमें, एंड ये जो मॉडल्स हैं ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होंगे, तो हर चीज़ जो है वो इसमें कवर हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि जो इस प्रोजेक्ट में हर चीज़ जो है वो हम इसमें कवर करें, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो हम एक वेबसाइट जो प्रॉपर डिवेलप करते हैं। तो इसमें मैं अगर इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं यूज़ हो रही होती तो फिर भी मैं कोई अलग से लेक्चर्स जो है उस पर हम बना के मैं उसको अपलोड कर दिया करूँगा। तो दूसरी चीज़ इसमें ये बतानी थी कि अगर लेट्स से कि मेरे पास जितने भी कॉन्टेंट्स हैं 1000 हैं 2000 3000 जितने भी कॉन्टेंट हैं हमारे पास, तो उसको मैंने एक फ़ाइल में स्टोर कराना है, उसको मैंने डाउनलोड भी करना है, उसको फाइल में एक स्टोर करवा के उसको मैंने डाउनलोड करना है। तो एक्सपोर्ट फाइल जो है वो हम उसको इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे कि वो किस तरह उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें जो है टाइप्स बताते हैं कि भाई ये टाइप्स में मैंने फाइल डाउनलोड करनी है, लेट्स से कि पीडीएफ में करनी है या वर्ड में करनी है, कोई भी फाइल में करनी है, तो वो फाइल उसमें सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उस पर डाउनलोड उसको कर सकते हैं। तो ये जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उसमें उसको हमने डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आई थिंक ये ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आई होप सो, आई कन्फर्म दैट कि आप कोई भी आगे मुश्किल नहीं होगी जब आप लोग फाइवर पे काम कर रहे होंगे या आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें ये मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं वो पीएचपी कोर और डेटाबेस जावास्क्रिप्ट, हमने तीन चीज़ें इसमें कवर करनी है। एंड जो इस प्रोजेक्ट में होंगी वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह उसको हम मैनेज कर सकते हैं डाटा, और उसके बाद उसमें जो वैलिडेशंस लगानी है वो पीएचपी एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगानी है। एंड लॉगिन फॉर्म के वो किस तरह वैलिडेट करते हैं हम यूज़र को, वो हम इसमें करेंगे। सेशंस जो है वो क्या होते हैं वो पीएचपी में, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। एंड इसमें कुकीज़ का इसके साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कुकीज़ में क्या होता है और सेशंस में क्या होता है। एंड तीसरी चीज़ के मॉडल्स क्या होते हैं वो भी, हर चीज़ जो है वो मॉडल्स की वो मैं आपको गाइड करूँगा। एंड अगली नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम क्राउड ऑपरेशन
क्रॉड ऑपरेशन क्या होता है कि क्रॉड ऑपरेशन में हम कोई भी कॉन्टैक्ट यू है उसको क्रिएट करना, सी से क्रिएट, आर से रिट्रीव, यू से अपडेट एंड डी से डिलीट. सी से क्रिएट मीन्स के हमने कोई भी कॉन्टैक्ट जो है उसको क्रिएट करना है तो वो सी होगा, एंड रिट्रीव जो है वो हमने डेटाबेस से जहाँ पे हमने डाटा स्टोर किया हुआ है वहाँ से हमने लिस्ट जो है कॉन्टैक्ट जो हमने स्टोर किए हुए वो हमें रिट्रीव चाहिए. हम उसको किस तरह फेच कर सकते हैं वो हम रिट्रीवल के थ्रू करते हैं, एंड अपडेशन में हम कोई भी जो है वो कॉन्टैक्ट उसको एडिट करना है तो वो किस तरह हम कर सकते हैं, एंड डिलीट में अगर कोई कॉन्टैक्ट है उसको हमने डिलीट करना है तो वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी क्रड ऑपरेशन होती है, इसको हम क्रड ऑपरेशन कहते हैं. ये हर वेबसाइट हर जगह ये क्रड ऑपरेशन यूज़ होता है, तो आपने हर ये चीज़ जो है क्रड ऑपरेशन माइंड में रख लें, एंड ये आपने हर सूरत इसको परफॉर्म करना है. और नेक्स्ट चीज़ जो है वो डाटा इंक्रिप्शन होती है, डाटा को हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं कि, और डाटा इंक्रिप्शन ऐसे कि हम उसको जैसे हम पासवर्ड पे ये होता है कि उसको ज़्यादा सिक्योर करना हो तो डाटा इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं. वो हमें डेटाबेस में टाइप्स चेंज हो जाती है डाटा की तो वो हम इसमें डाटा इंक्रिप्शन करेंगे. उसके बाद एक्सपोर्ट फाइल्स एंड डाउनलोड फाइल, इसमें ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें जो चीज़ें कवर नहीं हो रही वो मैं अलग से वीडियोस और अलग से लेक्चर्स जो है वो बनाऊंगा, जैसे ऐड टू कार्ड और दूसरी बहुत ज़्यादा है जैसे ईमेल वैलिडेशंस है, ईमेल फ़ोन नंबर वैलिडेशंस है, वो किस तरह हम उसको कोड बाय वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ईमेल एंड फ़ोन को किस तरह वेरिफिकेशन करते हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो अलग से जो है वो मैं आपको वीडियोस शेयर किया करूँगा, अपडेट अपलोड किया करूँगा. तो आपने इसको अपने हर सूरत इस लेक्चर्स को लेने हैं. एंड तीसरी चीज़ ये है कि जब ये मैं लेक्चर्स आपको शेयर कर रहा हूँगा तो आपने इसकी हर लेक्चर्स के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आनी, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई समझ नहीं आनी, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके कुछ पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली ये चीज़ें. और आपने ये जो है वो इंटरेस्ट लेके आपने ये करना है. अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है इंटरेस्ट के बिना नहीं आती, सिर्फ पैसे कमाना चीज़ नहीं होती. इंटरेस्ट डेवलप करें, और अगर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आप जहाँ भी जाएंगे आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी गारंटी है. तो ये आप इंटरेस्ट लेके आपने इस लेक्चर्स को लेना है. बिल्कुल सिंपल है प्रोजेक्ट, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. मैंने 2-3 दिन में ये जो है वो सिंपल आपके लिए डेमो क्रिएट किया था, जो जो मैंने दिखाया ये जो है ये बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग बहुत ईजीली कर सकते हैं. तो आपने इंटरेस्ट ले कर करना है. सो अगले लेक्चर से मैंने इसे प्रॉपर वर्किंग शुरू कर देनी है, और आप कनेक्टेड रहें हमारे साथ और अपडेट्स देखते रहें हमारे चैनल्स पे और इस पे. और अगर हमें पे बैक करना है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ज़्यादा यही है कि ऑडियंस आएगी और सबको भला हो जाएगा. तो आप लोगों ने इसको लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.